like you. Be strong to hold the powers of the sun. तो फ्रेंड्स, फिलहाल हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, नीचे की खाई आप लोग देख सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊपर का रास्ता हमने अभी कवर कर लिया है और अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर अभी हम आए होंगे नीचे से, लेकिन काफ़ी ऊपर लग रहा है। क्यों चिनू भैया, कहाँ कितना किलोमीटर आ गए अपन? अभी अपने भवन के जो मुख्य प्रवेश द्वार था वहाँ से ज़्यादा नहीं, कोई 1.5 किलोमीटर। हाँ, तो 1.5 किलोमीटर का अंदाज है और अभी काफ़ी ऊपर की जो चढ़ाई है हमें कवर करनी है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लिया था और यहाँ से अभी वापस हम हमारी यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो पसीना था थोड़ा बहुत सुखाया है और ये जो ब्लूटूथ सिस्टम है बहुत अच्छा साथ दे रहा है, अभी इसको भी चार्ज करना आगे थोड़ा सा। वैसे तो काफ़ी चार्ज है लेकिन आगे बहुत रास्ता पड़ा है अभी। कैसा फील हो रहा है चाचू? मस्त मस्त, बहुत बढ़िया। बैटरी डाउन हो गई है। इस बच्चे को थकावट महसूस हो रही है। चाचू भाग के चलो, रास्ता बहुत कवर होता है भाई, पर 1 किलोमीटर में बैठ जाओ फिर आप। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक जगह रुके हैं और थोड़ी सी आजादी मिली है, और आजादी क्या होती है मैं आपको दिखा दूं कि क्या एहसास होता है आजादी का। यहाँ जी ये घर हम लोग आपका जी, मेरी एहसास तरह से जीत गई है, लेकिन जो माता वैष्णो देवी की जो चढ़ाई कर रहे हैं उसकी खुशी है, उसके आगे जो शर्ट भीगे या कुछ भी हो कोई गम नहीं किसी पर। क्या बात है, इसके साथ एक जयकारा बोलिए सच्चे दरबार की जय। अभी हमने काफी एनर्जी वेस्ट कर दी थी, अब हमारे उसी एनर्जी को पूर्ति करेगा ये। हम फिर से एनर्जी को रिस्टोर कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक बार फिर देखो, ये देखो क्या हाल हो रखे हैं यहाँ पर, बड़े आनंद के साथ एनर्जी से पीने से पहले एक थैंक यू और जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। यहाँ की वादियाँ गाइस आप देख सकते हैं, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं बादल हमारे करीब आते जा रहे हैं और ऊपर काफ़ी सारी बारिश हो रही है इस टाइम पे। नीचे का सीन कुछ ऐसा है और मेरे साथ ही आगे चले गए हैं, मैं वीडियो बनाने में रह जाऊंगा। चलो भाई चलो चलो, चेयर्स देम
यहाँ पर पान खाए जा रहे हैं, देखो अकेले अकेले चलते आ जाओ। ये देखो पान को अगर किसी को दार देनी सीखनी है ना कैसे दी जाती है तो यहाँ ये इससे सीखे। गाइस देखो सामने बादल और हम इस तरफ जाते हुए और चिन्नू भैया ने किसी को पैसे दिए और वो ट्रॉली जी खुद ही लेके जा रहे हैं। क्या भैया खुद ही कैसे लेके जा रहे हो? आगे जाके बनाना बोलूंगा। क्या माता दी दोस्तों, ये जो आप छोटी ट्रॉली देख रहे हैं जिसकी ड्राइविंग मैं खुद कर रहा हूँ। गाड़ी में तीन बैग हैं। एक बैग और अंदर लाई। नहीं बहुत जोरदार है जी, ये ज्यादा हो रही है। फोर बाई फोर गाड़ी आ रही है, देखो ये कम से कम दो टन माल है इसके अंदर। आपको बता दें किसी की ट्रॉली हम कुछ चला रहे हैं, पान खाते हुए मजा लेते हुए। ये इन भैया की ट्रॉली है, मैं दिखा दूं आपको। ये भैया को ये भाई है जिनकी ट्रॉली है और वो काव्य खुद चला रहा है इसको। ये देखो भाई कुछ इस तरह का। पुलिस वालों को कहा हुआ ना कि ओवरलोड होकर चलान काट जाए, परंतु ये वैष्णो देवी का दरबार है, यहाँ पुलिस वालों की नहीं चलती है। यहाँ चलती है तो फिर वाली भैया वाली की चलती है। क्या बात है जिन्हें जी, बहुत बढ़िया। तो चलान ऐसा काटती जाए जिंदगी में कभी बहाल नहीं होता है। क्या बात है। और वो चलान जब काटे ना उसकी मेहर होती है तो ऐसी होती है। देखो आनंद आनंद के पल कुछ इस कदर है। ये ट्रॉली वाले भैया पीछे पीछे आ रहे हैं और ये हमारे बंदे ही ट्रॉली को धकेल रहे हैं। जी आपको बता दूं ये ट्रॉली वाले भैया जी खुश नसीब है, पैसा देकर मस्ती से आ रहे हैं। क्या बात है। ऊपर से पैसा लिया, ऊपर से मस्ती भी मार रहे हैं। देखो कितने खुश नसीब है। मैया इन पे मेहरबान रहे सदा, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, इनकी झोलियां भरे। हम दुआ करते हैं माता रानी से। तो मनु जी कहीं ना कहीं कतराते हुए नजर आ रहे हैं ड्राइविंग करने से लग रहा है। करो यार थोड़ी दूर करो यार, यहाँ देखो इनको पसीना रखे। फ्रेंड्स एक इंजन यहाँ पे सीज हो गया है, अभी दूसरा इंजन मंगवाया है मन्नू जी। एक इंजन पहले ही सीज हो रखा है। शर्ट गिली हो चुकी पूरी। ये आज का जो अनुभव है दोस्तों मैं बता दूं, अभी व्लॉगिंग का एक्चुअल पार्ट लेते हैं। ये हमारे लकी भाई हैं, एक्सपीरियंस बहुत शानदार है लकी भाई का। और जय माता दी, आप सभी का मनोबल बढ़ा रहे हैं लकी भाई। बहुत मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, हम हर साल 31 दिसंबर को आते हैं, उस वक्त यहाँ पे ठंड का माहौल होता है। ये नेचर हमने अभी तक कभी नहीं देखा यहाँ पे। आगे 4 सालों से हम लगातार आ रहे हैं लेकिन हमें वो इतने पसीना आज तक नहीं है। हमने जींस वगैरह डाल दी अच्छे से, हमें लगा कि ऊपर ठंड होगी लेकिन इतनी अभी ह्यूमिडिटी है, इतना पसीना निकल रहा है। हमारे प्रधान जी ने देखो देखो मैं भी मॉल में आ गया हूँ पूरा, मुझे लगता है फाइट करनी पड़ेगी। और वो नहीं है ये, जैसे लकी जी ने भी बताया 31 दिसंबर को आते हैं, मौसम ठंड का होता है उस समय। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स हम लोगों ने, ये हर्ष भाई है हमारे साथ, हमने इनकी थोड़ी सी मदद ली थी। यहाँ पर इनके पास एक ट्रॉली है और उस पर हमने हमारा पूरा जो लगेज है वो रख दिया है। हमारी डील ये हुई थी कि हमने हर्ष भाई को पैसे पे करने थे, लेकिन जिस तरह की मस्ती माहौल का जो आलम चल रहा है, मैं अभी हर्ष भाई को बोलूंगा हर्ष भाई आपका बढ़िया मनोरंजन करवा रहे हैं, उल्टा आपको हमें पे करना चाहिए। क्या बोलते हैं हर्ष भाई? फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा जो हमारा जो टूर है, हर्ष भाई से खैर पहली बार मिले, हंसी मजाक की सो बातें, बहुत मेहनत कश लोग होते हैं इस तरह के, और मैं दिल से सल्यूट करता हूँ जय माँ वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से उन तमाम लोगों को जो मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, अपने हक की कमाई खाते हैं, पसीने की कमाई कमाते हैं। मैं सलाम करता हूं तमाम लोगों को। काव्य दादी ब्लॉग्स हमारा एक चैनल है हर्ष भाई, उसके अंदर मैंने आपको कवर किया है और मैं दिल से सल्यूट करूंगा। थोड़ा सा और ऊपर आने के बाद कुछ ऐसा सीन आता है, नीचे पूरा का पूरा कटरा हमें नजर आ रहा है, कितनी सी दूर में कटरा फैला हुआ है, कहाँ कहाँ कौन सी रोडे हैं, और तो और जो रेलवे स्टेशन है वो भी हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। आप लोगों को मैं रेलवे ट्रैक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और थोड़ा सा और ऊपर की ओर चलेंगे तो ऊपर बादलों से भी हमारी मुलाकात होने वाली है, और ये पूरे के पूरे पाम ट्रीज हैं, बांस के पेड़ हैं। ये जयकारा लगा लगा के थोड़ी आवाज में भी चेंज आ गया है,
बाय द वे मजा बहुत आ रहा है, फुली एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स। सामने का सीन बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा था तो हमने एक मिनट का फिर से यहाँ पे ब्रेक लिया है। और बादल देखिए किस तरह से चल रहे हैं, मूवमेंट आप देख पाएंगे अच्छे से। यहाँ पे पीछे का सीन कुछ ऐसा है कि पीछे टोटली क्लाउड्स हैं और पूरी तरह से रनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मेरी लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, चाचू की लाइफ में चाचू फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और हमारे साथ जितने भी जो लोग हैं वो सभी अपनी अपनी लाइफ में ये जो सीन है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। फ्रेंड्स आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली दैट दिस इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज वेरी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। हम लोग पहली बार इस तरह का मंजर देख रहे हैं, इट इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल द प्लेसेज एंड वट एवर द सीन्स विच आर बींग विच विल बी बींग वॉच्ड बाई अस। सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड विद अस। और आप देखें यहाँ पर कभी पीछे की तरफ दिखाओ, मैं चाहूंगा आप पीछे वाला सीन दिखाएं एक बार कि किस तरह से ये जो यात्रा है बादलों को चीरती हुई, बादलों के अंदर से होती हुई आगे बढ़ रही है। फ्रेंड्स क्लाउड्स की आवाज आ रही है, यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई है और अब जो मजा आ रहा है वो एक अलग ही है। फ्रेंड्स जयकारे लगाने के जो मजे हैं वो सबसे अलग है, हमने बिना अटके जयकारे लगाने फाइनली सीख लिए। सो फ्रेंड्स दूसरे व्लॉग में, इससे नेक्स्ट व्लॉग में आप आगे के मजे देख पाएंगे। सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आज वाला व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर मेरा आज वाला व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जयकारा। Bye!